हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज वंडरफुल और मैं हूँ साथी। सो मेरे इस चैनल में और इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है आफ्टरनून का 3:30। देखिए 3:30 हो रहे हैं ना, नहीं सॉरी 3:23 हो रहा है। पागल हो जाऊंगी मैं। और जस्ट अभी मैंने लंच कंप्लीट किया है आज, क्योंकि अगर सुबह नहीं नहाती हूँ ना तो लेट हो ही जाता है। सबाई जाने तुम्हें बेटू, सबाई जाने। अच्छा तो आज लेट इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गए हैं 12:30-1:15 आज वो ड्यूटी के लिए निकले हैं। फिर मैंने बेटू को नहलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाते खिलाते जैसे कि उसको होता है टॉयलेट आ जाती है, मैं खाना बैठती हूँ तभी टॉयलेट आती है, या फिर वो खाना खाने बैठती है तब टॉयलेट आती है, ऐसी होती है इसकी कारण। तो वो सब किया, फिर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया, और वो सब करते करते टाइम निकल गया। फिर नहाने गई और एक बकेट कपड़ा था जो कि धोया मैंने, तो वही करते करते 3:30 हो गया। आज पानी चला गया और आज मैंने देखी किचन भी नहीं क्लीन किए कर पाई हूँ, तो अभी शाम को करूँगी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या आज? क्यों मैम, दोनों माँ बेटी लेट गए हैं। देखिए उल्टा तरफ, ये उस साइड में, मैं इस साइड में। दिखा क्या बेटू, दिख रहे हैं बेटू? उसे अभी सोना नहीं है, रात को जल्दी जल्दी सो जाती है, 9 बजे सो जाती है। अगर दोपहर को नहीं सोती है ना तो रात को जल्दी सो जाती है, और अगर दोपहर को सोती है तो रात को 12 बज जाती है। मतलब ऐसा अभी हो रहा है, कुछ दिन नहीं हो रहा था, फिर से चालू हो गया। घर से आने के बाद ना वो आदत छूट गई थी। घर में जैसे कि जल्दी उठती थी तो जल्दी सो जाती थी, वैसे यहाँ पर भी आदत थी, पर अभी कलकत्ता का आदत रिटर्न आ गया उसमें। और कल है मेरा बर्थडे, तो बर्थडे का प्रिपरेशन मेरा कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं कल क्या होगा नहीं होगा। देखते हैं, कल के ब्लॉग में आप लोग देख पाओगे। आज तो अगर बेटी का हस्बैंड का होता तो अलग होता, मेरे लिए क्या करूँ, केक तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ। और खाना कुछ स्पेशल बनेगा रात को, देखते हैं क्या होता है कल। चुका है क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू दिया बाती सब कुछ मैंने कर लिया है। और अभी मैं बेटू को दे रही हूँ दूध, और मैं अपने लिए बनाऊँगी थोड़ी सी चाय। और कल भी चाय नहीं पिया था, आज थोड़ा सा मन हो रहा है चाय पीने का, तो पीऊँगी और जाऊँगी बेटू को थोड़ा सा नीचे लेकर, फिर आकर डिनर बनाऊँगी। और आज है छठ, तो मेरी तरफ से आप सभी को छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सो हैप्पी छठ। और बेटू को मैंने अभी भी तैयार नहीं किया है, तो अभी इसको रेडी करवाऊंगी। मतलब बाहर ना, बाहर ज़्यादा ठंड तो नहीं है, कलकत्ता में पहली बार थोड़ा सा ठंड लग रहा था यहाँ आने के बाद, पर अभी बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पहना देती हूँ, मच्छर भी नहीं काटता है। और आज मैं पी रही हूँ मिर्ची की हंडी में चाय। ऐसा फील हो रहा है, दुकान में चाय पीते हैं ना मिट्टी के मंडी में, वैसे मैं मजा। और একটা টি-শার্ট নিয়ে আসো তোমার দোকান থেকে, ও বক্স করে একটা জামা বের করতে বলেছিলাম, তার কি অবস্থা করলি? হ্যাঁ सो गाइज, आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि ये जो मतलब टीवी के पास मेरा जो ये काला वाला बॉक्स है वो क्या है, तो ये छोटा छोटा अलमीरा है। कपड़ा रखने के लिए लिया था अमेजन से, तो पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, पर अभी मैं बता दिया।
क्योंकि आ चुके हैं अभी घर और बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, मतलब घूमते घूमते, और कोई ना कोई बाहर जाते तो मिल ही जाता है, गप्पे लड़ाते लड़ाते लेट हो गया। अभी 8 बज रहा है, आधे घंटे के अंदर मेरे हस्बैंड आएंगे। उससे पहले मैंने बेटे को स्पैगेटी खानी थी, मतलब चाउ चाउ, तो मैंने आके ही बॉईल कर लिया और उसका स्पैगेटी रेडी भी है, उसका सिंपल सा स्पैगेटी है, देखें सॉस देकर बस बना दिया है, तो मैं उसे दे दी थी। और मेरे लिए भी मैं थोड़ा सा बनाऊँ, जबकि बना रही हूँ तो थोड़ा सा बना ही लेती हूँ मैंने सोचा। और मैं बनाती हूँ देसी स्टाइल चाउमीन, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिया देखिए, पटेटो लिया है कट करके, अनियन लिया है, और यहाँ पे ग्रीन चिली और थोड़ा सा रोस्ट पीनट, अगर रॉ पीनट होता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, पर मेरे पास था यही है फिलहाल के लिए, तो मैं यही ऐड करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं ये वाला स्पेगेटी मतलब चाउमीन कैसे बनाती हूँ, उससे पहले मैं बेटू को दे के आती हूँ। सो कढ़ाई में मैंने दिया है 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा जीरा, और अभी कटा हुआ प्याज और आलू और हरी मिर्च देकर अभी थोड़ी देर भूनूंगी, और थोड़ा सा पाउडर मसाला जैसे कि जीरा, हल्दी और धनिया और सॉल्ट, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूंगी। आप चाहो तो मैगी मसाला जो होता है वो भी ऐड कर सकते हो, और ये बिल्कुल अलग बनता है। सो ऐसे कुछ मत समझना, मतलब जैसे कि चाउमीन बनता है मैं ये बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग बिल्कुल बनता है। तो देखिए आलू मेरा बिल्कुल पक गया था, तो वो मैंने डाल दिया है अभी चाउमीन, और थोड़ा सा जो पीनट मैंने लिया था ना वो भी ऐड कर दिया है। तो बस अभी थोड़ी देर भूनूंगी और मेरा चाउमीन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और अभी सर्व करूंगी। तो प्लेट में मैंने दे दिया है देखिए चाउमीन, और उसके साथ थोड़ा सा चिली सॉस और टमाटो सॉस, बस रेडी हो गया मेरा देसी चाउमीन। हो चुका है हमारा देसी चाउमीन, बहुत ही यमी और टेस्टी है। मतलब बचपन में जब हम ऐसे मतलब ट्यूशंस में जाते थे ना, जो ट्यूशंस में जाते थे वहाँ पे हम लोग ऐसे करते थे, सब लोग मिलके पैसे देते थे और ये बना के खाते थे सब लोग एक साथ। जब बचपन में बहुत छोटे थे तब भी शायद हम लोग मतलब 3-4 ऐसे क्लासेस में पढ़ते थे, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो ये खाने के बाद इसलिए मैं अभी फटाफट से बनाऊँगी डिनर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जस्ट आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो आज सब्जी तो बनाऊँगी नहीं, सब्जी दोपहर का है, बेटू को खीर खानी है तो खीर बनाऊंगी, खीर मतलब वो वर्मिसली का जो खीर होता है वो बनाऊंगी, और वो बोलती है स्पैगेटी खीर, वर्मिसली भी ऐसे लंबा लंबा होता है ना, तो वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो और रोटी बनाऊंगी, और हमारा तो सब्जी है ही। सो मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, और पहले मैं चढ़ा रही हूँ अभी वो खीर जो वर्मिसली का खीर बना रही हो, सिंपल ऐसे ही वो ये भुना हुआ है, मतलब रोस्टेड है तो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दूध बॉयल किया और ये डाल दिया, और ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह, और बनाऊंगी सिर्फ रोटी। और रोटी बनाते हुए हस्बैंड आ गए थे तो बेटों को बोला मैंने कि जाओ दरवाज़ा खोल दो, और फटाफट से अभी मैं 3-4 रोटी बना लूँगी और बस हमारा डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। और चलिए जो खीर मैंने बनाई थी ना वो रेडी हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, तो मैं बेटू को अभी थोड़ी सी खिला देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आते हैं ना तो नहाना पड़ता है तो थोड़ा सा लेट होता है। तो चलिए बेटू को ये खिला देती हूँ मैं। माउंटेन इको है, इको बस 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 की कथा কথাটা একটা কথা 2-3 বার শোনা যায় তাই তো। তুমি তো কি বানিয়েছ? শামুক। শামুক স্নেল, দেখো বেটু নে কি বানায়া হ্যায় ইয়ে স্নেল বানাই হ্যায় আটে সে। আরে বাহ, আর ইয়ে কোন খায়েগা? ক্যা মেয়ে? अरे वाह, देखो बेटू हिंदी भी सीख रही है अभी, है ना? अरे वाह, टेस्ट करके नहीं देखोगे क्या कैसा बना है? ठंडा कौन देखे छो कम कैसा लगा? Oh,
हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट, अभी बारी है दूध पीने की, तो हल्दी वाला दूध मैं अभी वही बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो मतलब मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग, आई होप कि ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग बनेगा और आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।